मैं जब पढ़ने बैठ रही हूँ तब मेरे को दुनिया की सारी बात याद आ रही है, बाकी टाइम याद नहीं आता कि मेरे को इसको फोन करना था, मेरे को यहाँ घूमने जाना था, मेरा ये नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ, फिजिक्स पढ़ रही तो मेरे को केमिस्ट्री याद आ रहा है, अरे केमिस्ट्री में ये चैप्टर बाकी, हिंदी में ये चैप्टर बाकी, अरे मेरे को ये भी पढ़ना है, और उसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ पाते तो क्या करें। तो ये करना कि जहाँ पढ़ने बैठ रही हूँ वहाँ एक छोटी सी डायरी और एक पेन रख के बैठना, तो जैसे ही आपके दिमाग में है कि मेरा केमिस्ट्री का ये चैप्टर नहीं हुआ है उसको लिख लो, मेरा अभी बायो का ये चैप्टर नहीं हुआ है ये लिख लो, मेरे को उससे बात करना है वो लिख लो, शॉपिंग करने जाना है सब लिख लो, तो क्या होगा फिर वो ब्रेन आपको पढ़ते समय डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना। सी हमारा ब्रेन कभी भी हमारे लिए नुकसान का नहीं है, वो हमेशा हमारी मदद करना चाहता है और इसीलिए वो हमको याद दिलाता है कि यार तेरा ये भी बाकी है, तो उसको अगर हम लिख लेंगे ना तो हमारे माइंड को बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ेगा ये भी बाकी है वो भी बाकी है, तो आप रिलैक्सेशन।